अच्छी और सच्ची खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिनसे मिलने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर बिल गेट्स पहुंचे हैं और इस मुलाकात में दोनों के बीच कई मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, देश में डिजिटल रेवोल्यूशन, हेल्थ केयर, एजुकेशन, क्लाइमेट चेंज, एग्रीकल्चर और नारी शक्ति जैसे मुद्दे बहुत अहम रहे। और इस बातचीत में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ड्रोन दीदी योजना के बारे में बिल गेट्स को बताया तो वो इसे जानकर काफी खुश हुए। और इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ग्रीन जीडीपी पर सरकार का नजरिया दुनिया के सामने रखा। मैंने एक कार्यक्रम लिया है नमो ड्रोन दीदी, इसके पीछे मेरे दो लक्ष्य हैं। एक तो मैं भारत के गांवों में 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाना चाहता हूँ और वो भी एक गरीब परिवार से, तो मैं एक साइकोलॉजिकल चेंज करना चाहता हूँ। ये छोटी छोटी चीजें नहीं, बड़ी चीजें करनी है। दूसरा, गांव में महिलाएं मतलब यही काम करेगी, भैंस को चराएगी, गाय को चराएगी, दूध दोएगी, नहीं, मैं उसके हाथ में टेक्नोलॉजी देना चाहता हूँ। मैं साइकोलॉजिकल चेंज लाना चाहता हूँ। गाँव के सब लोगों को लगना चाहिए कि ये हमारे गाँव को बदल रही है। एग्रीकल्चर को मैं आधुनिक बनाना, वैज्ञानिक बनाना, ये जरूरत मैं देखता हूँ और उसी लिए मैंने ड्रोन दीदी का, और बहुत सक्सेसफुल चल रहा है। मैं ड्रोन दीदी से इन दिनों बातें करता हूँ, उनको इतनी खुशी है, वो कहते हैं हमको साइकिल चलाना नहीं आता था, आज हम पायलट बन गए, हम ड्रोन चला रहे हैं। सोचने का तरीका बदल गया है। Yeah, I think the key point is that the digital infrastructure just gets keeping richer. You know, a lot of people know about the identity system and the digital payment systems, and that the government, by taking virtually all the government payment programs now and digitizing those, that alone saved a lot of money and it created access on a more equal basis. But now as you're moving into the different areas, advice for farmers, registering their land, tutoring for kids, and the health records, connecting all of those, that's kind of a second phase. And we're just at the beginning now of the third phase, where these advances in artificial intelligence will come on top of that and make the value even better. आपने सही कहा, AI का महत्व बहुत है। और मैं तो कभी कभी मजाक में कहता हूँ, हमारे देश में माँ को आई बोलते हैं, माता को बहुत से राज्यों में भाषा बोलते हैं आई। अब मैं कहता हूँ हमारे यहाँ बच्चा पैदा होता है तो आई भी बोलता है, AI भी बोलता है, वो इतना एडवांस हो गया है। अब देखिए मैं कैसे उपयोग करता हूँ, मैं आपको बताऊँ, जिसको देखकर आपको भी खुशी होगी कि कॉमन मैन कैसे AI का उपयोग कर सकता है। जैसे मैंने G20 में AI का बहुत उपयोग किया, मेरे पूरे G20 का परिसर था, उसमें पूरा का पूरा AI का उपयोग करके सारे इंटरप्रेटर्स की व्यवस्था मैंने AI से की। और मैं AI का बड़ा उपयोग करता हूँ और मेरे लिए पूरे देश में बहुत काम आता है। ये मेरा फोटो बूथ है, अब आप सेल्फी ले लीजिए इस पर, टेक द सेल्फी। ओके, यस, वाओ, सो यू कैन सी, वाओ। नॉट ओनली दिस, सिंस लास्ट 20 इयर्स मेरे साथ आपके जितने भी फोटो होंगे, जितने भी मेरी फोटो होंगे 20 साल की, सारे इस पर आ जाएंगे। कभी और किसी पब्लिक फंक्शन में मान लीजिए आपका एक 1/10 पार्ट दिख रहा है, तो वो फोटो में भी अगर मैं दिखता हूँ और आपका 1/10 भी दिखता है, वो भी उसको वो रिकॉग्नाइज करके ले आता है। तो आज टेक्नोलॉजी का कैसे उपयोग हो सकता है, और मैं मानता हूँ कि इस प्रकार के प्रयोग हमें वैल्यू एडिशन करते हैं। देखिए AI ने जो चैलेंजेस खड़ी की है वो मैंने देखा है कि कितनी अच्छी चीज, अगर प्रॉपरली ट्रेन किया बिना किसी के हाथ में दे दी जाए तो वो मिसयूज होने की संभावना ज्यादा है। अब मैंने AI से जुड़े सारे ब्रेन से उनसे भी बात की, मैंने कहा शुरू में हमने कोई भी AI जनरेटेड चीज है उस पर आना चाहिए वाटरमार्क,
कि ये AI जनरेटेड है, ताकि कोई मिसगाइड ना हो। और ये बुरी चीज नहीं है, सिंपली इट्स AI जनरेटेड, तो मैं उसका वैल्यू समझ लूंगा। डीप फेक भारत जैसे डेमोक्रेटिक कंट्रीज में और इतनी विशाल कंट्री में कोई एक डीप फेक में कुछ भी चीज डाल दे, जैसे मेरे ही वॉइस में कुछ ऐसी गंदी चीज डाल दे, तो शुरू में तो लोग मान जाएंगे, तो बहुत बड़ी आग लग जाएगी। तो ये जरूरी है कि डीप फेक AI जनरेटेड और ये सोर्स है, ये आज शुरू के दिनों में, आगे कर करके क्या होगा जरूरत नहीं पड़ेगी शायद, लेकिन ये हमने कुछ डूज एंड डोंट्स उस पर सीरियसली सोचना पड़ेगा। Yeah, I've been interested in your discussions about green GDP. Update me on your thinking. मैं तो कहता हूँ दुनिया को ग्रीन जीडीपी के कंसेप्ट को डेवलप करना चाहिए कि भाई तुम्हारी टोटल जीडीपी में ग्रीन जीडीपी कितनी है, टोटल रोजगार में ग्रीन रोजगार कितने हैं। हम एक नया आखिर टर्मिनोलॉजी बदलनी चाहिए दुनिया की, तो मैं समझता हूँ कि समस्या का समाधान हो सकता है। करीब 45 मिनट तक चली बातचीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिल गेट्स को वोकल फॉर लोकल की थीम पर आधारित एक गिफ्ट हैम्पर भी दिया, जिसमें कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक की खास और चुनिंदा चीजें शामिल हैं। इस गिफ्ट हैम्पर में क्या कुछ है, देखिए इस रिपोर्ट में। पीएम मोदी के साथ बिल गेट्स की यह मुलाकात यादगार बन गई, खास तौर से न केवल इस मायने में कि पीएम ने गेट्स को न केवल आधुनिक प्रौद्योगिकी और AI जैसे मुद्दों पर अपने विजन की जानकारी दी, बल्कि इसलिए भी कि मोदी ने बिल गेट्स को भारत में स्वदेशी सामानों के उपयोगों को बढ़ावा देने के लिए चल रही वोकल फॉर लोकल और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की मुहिम से रूबरू करवाया। इस सिलसिले में पीएम मोदी ने बिल गेट्स को कई खास तोहफे दिए और उनकी खासियत के बारे में बताया। तमिलनाडु में थूथुकुडी, वहां पर ये मोती बनाते हैं और एक प्रकार से पर्ल सिटी के रूप में जाना जाता है। बहुत बड़ा काम वहां के फिशरमैन करते हैं। मैं गया था, मैंने सोचा आज आपको ये दिखाऊंगा भी और आपके लिए ले जाऊंगा। भारत में वैसे टेराकोटा एक बहुत पुरानी परंपरा है, लेकिन ये तमिलनाडु का आर्ट है। ये बहुत पॉपुलर होता है, मंदिरों में रहता है, घरों में भी रहता है, पूजा के लिए भी इसी प्रकार की विशेष चीजें बनाते हैं वहाँ। ये है पश्मीना स्क्राप है और ये हमारे यहाँ बहुत ही पॉपुलर है कश्मीर में। ये केसर है, ये भी कश्मीर का है। सारा किसानों का ये पूरा वैल्यू एडिशन होता है और बहुत ग्लोबली एक्सपोर्ट होता है। ये हमारे यहाँ वोकल फॉर लोकल मेरा एक मूवमेंट चल रहा है और दूसरा मेरा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को मैं बहुत प्रमोट कर रहा हूँ। मैं कहीं भी विदेश जाता हूँ, मेहमानों को कुछ देना है तो किसी डिस्ट्रिक्ट के लेकर जाए, उस डिस्ट्रिक्ट के लोग प्राउड फील करते हैं। ये दार्जिलिंग चाय है, ये नीलगिरी चाय, और मैंने देखा आपने चाय पे चर्चा की That was fun. और ये सारी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में बहुत ही पॉपुलर हो रहा है आजकल, तो मैं चाहूंगा ये सब आपको मेरी यादें आपके साथ रहे। Yes, you're very generous. I look forward to that. It'll remind me about you. इससे पहले बिल गेट्स ने भी पीएम मोदी को न्यूट्रिशन पर किताबों का एक सेट भेंट किया। These are some nutrition books. Finally, we're making progress on nutrition. Yes. Thank you. Bureau report, Good News Today. आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं रंग पंचमी की। होली के 5 दिन बाद मनाया जाने वाला ये पर्व कल देश के अलग अलग हिस्सों में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। खास तौर पर महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश में रंग पंचमी की रौनक देखते ही बनेगी। ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण ने इसी दिन राधा और गोपियों के साथ होली खेली थी, तभी से रंग पंचमी मनाने की परंपरा चली आ रही है, जिसके तहत रंग पंचमी पर रंग बिरंगे गुलाल देवी देवताओं को चढ़ाए जाते हैं और ये गुलाल आसमान की ओर उड़ाया जाता है। Thank you.
होली के बाद आई रंग पंचमी की बारी, लोगों पर छाई खुमारी, बस चंद घंटों का इंतजार और फिर शहर शहर रंग गुलाल से सजेगा माहौल। कुछ ऐसी ही होगी रौनक और कुछ ऐसा ही होगा रंग पंचमी का उत्सव। वैसे तो रंग पंचमी का ये पर्व देश के कई हिस्सों में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, मगर इसकी खास रौनक देखने को मिलती है राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में, जहां हर उम्र के लोग रंग पंचमी के इस उत्सव में शामिल होते हैं और हवा में रंग बिरंगे गुलाल उड़ाकर रंग पंचमी मनाते हैं। इस तरह के आप ये बैनर पोस्टर लगाते हैं, राजनेता बुरा नहीं मानते इस चीज का? नहीं, नहीं, बुरा मानने की आवश्यकता नहीं। जो राजनेता, उनको पता है कि हर साल ये अनूठी परंपरा जो होती है वोडाफोन चौराहे पे, उनके पास तक भी खबर पहुंच जाती है, वो भी देख के चीज को खुश होते हैं। जो बाहर से अगर मेहमान आएंगे तो उनका हर बना के स्वागत भी कराया जाएगा, दुपट्टों से उनका स्वागत भी करेंगे हम, कोठियों से, पानी की बौछारों से, 2 क्विंटल गुलाल आई हुई है, इन सब से स्वागत करेंगे घेर में जो आए हुए आ रहे हैं सभी का। इस मौके पर इंदौर शहर में निकाली जाने वाली पारंपरिक गेर यात्रा का अपना ही महत्व है। खास बात यह है कि इस गेर यात्रा में बिन बुलाए ही लाखों की संख्या में लोग शामिल होते हैं, जिसे देखते हुए इंदौर प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। गेर यात्रा का वक्त और रूट तय कर दिया गया है और इसकी जानकारी आयोजकों को भी दे दी गई है। जब हमारी गेर प्रारंभ होती है तो लोग बोलते हैं कि भाई इसमें इतने लोग कैसे आते हैं, तो हम ना तो कोई 5-7 लोगों को बुलाने जा नहीं सकते हैं। एक लोगों को मालूम पड़ता है कि 30, जैसे रंग पंचमी है कि होली के 5 दिन बाद रंग पंचमी आती है, वो रंग पंचमी फिक्स रहता है हमारा कि टोरी कॉर्नर की गेर निकलेगी, और बगैर बुलाए लोगों को, बगैर सूचना के लोग जो है इंदौर का और आसपास के मालवा का क्षेत्र का आदमी जो है रंग पंचमी की गेर देखने आता है, और 5-7-8 लाख आदमी इंदौर में राजबाड़े पर इकट्ठा होता है और एकत्रित होकर उल्लास के साथ, प्रेम प्यार और विश्वास के साथ, एकता के साथ, मानवता का संदेश देते हुए लोगों को, हमारे से किसी को बेर नहीं और गेर में जो शामिल नहीं हुआ उसकी खैर नहीं, ऐसा करके हम संदेश लेके चलते हैं और लोग वंचित न रह जाए इस गेर में शामिल होने से, ये हमारा प्रयास रहता है। इंदौर की गेर यात्रा देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी मशहूर है। यही वजह है कि इसे देखने के लिए बड़ी तादाद में विदेशी पर्यटक भी आते हैं, जिनके बैठने के लिए गेर यात्रा के रूट पर करीब 25 से 30 मकानों की पहचान की गई है। इनके सामने बैठकर ये विदेशी मेहमान इंदौर की गेर यात्रा का आनंद उठा पाएंगे। इस बार हमारा ये भी प्रयास है कि जो रास्ते में रूट पे जो घर पड़ते हैं उनकी छतों का इस्तेमाल हम लोग जो दूसरे लोग हैं वो उसकी बुकिंग करा सकें और वहाँ पर बैठकर गेर का आनंद ले सकें, इस हेतु भी हम लोग प्रयासरत हैं। इसके लिए लगभग 150 लोगों की बुकिंग के लिए हम लोगों ने अभी तक व्यवस्था करी है। कुल मिलाकर जो भव्यता रहती है उसमें और अधिक वृद्धि हो और किसी तरीके की परेशानी किसी को न हो, ये इस बार सुनिश्चित किया जाए। कहा जाता है कि इंदौर में गेर की परंपरा होलकर राजवंश के समय से चली आ रही है। इस दिन राजवंश के लोग आम जनता के साथ होली खेलने के लिए निकलते थे और पूरे शहर में भ्रमण करते थे। आयोजकों की ओर से इंदौर की गेर यात्रा को यूनेस्को में शामिल किए जाने के लिए भी कोशिश की जा रही है। हमको टोरी कॉर्नर की गेर जो है प्रथम नंबर पर निकलेगी और हमारी गेर हमेशा, आज 75वां वर्ष है हमारी गेर का, यूनेस्को में शामिल कराने की प्रक्रिया प्रारंभ है, प्रशासन इस ओर अग्रसर है। इंदौर की गेर यात्रा में शामिल होने वाले लोगों की संख्या को देखते हुए सुरक्षा के भी चाक चौबंद इंतजाम हैं। जानकारी के मुताबिक ड्रोन से लेकर सीसीटीवी तक, हेल्पलाइन नंबर से लेकर चप्पे चप्पे पर पुलिस कर्मियों की तैनाती तक का प्रबंध हो चुका है, ताकि रंग पंचमी के इस उत्सव में भंग न पड़े। इंदौर से धर्मेंद्र कुमार शर्मा, गुड न्यूज टुडे। रंगपंचमी को लेकर कई तरह की मान्यताएं हैं और इन्हीं में से एक मान्यता ये भी है कि रंगपंचमी के दिन रंग बिरंगे गुलाल देवी देवताओं को चढ़ाए जाते हैं और इसीलिए गुलाल को आसमान की ओर उड़ाया जाता है। इससे रंग बिरंगे गुलालों की खूबसूरती देखकर देवता काफी प्रसन्न होते हैं और लोगों पर अपनी कृपा बरसाते हैं। इस दिन क्या है पूजा का विधि विधान, ये जानते हैं पंडित शैलेन्द्र पांडे से। देखिए, रंग पंचमी का जो पर्व है वो चैत्र कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है।
जैसे सामान्य दीपावली के बाद देव दीपावली मनाई जाती है, वैसे ही रंग पंचमी का एक आशय ये है कि इस दिन देवताओं की होली होती है, देवता होली खेलते हैं। पौराणिक कथा ये आती है कि भगवान शिव ने अपने त्रिनेत्र से कामदेव को भस्म कर दिया था, और जब कामदेव को भस्म कर दिया तो चारों तरफ प्रकृति में नीरसता छा गई। बाद में जब भगवान शिव ने आश्वासन दिया कि कामदेव का पुनर्जन्म होगा, वो आश्वासन जिस दिन दिया गया था वो तिथि थी रंग पंचमी की। देवी देवताओं ने प्रसन्न होकर रंग अबीर गुलाल से होली खेली, और तब से रंग पंचमी का पर्व मनाया जाता है। मुख्यतः ये देवताओं की होली इसको कहा जाए या कृष्ण पंचमी भी इसको कहा जाता है, तो देवताओं की होली है रंग पंचमी। सामान्य व्यक्ति इस दिन अपने इष्ट देव को, विशेष तौर से भगवान कृष्ण और भगवती राधा को, अबीर गुलाल अर्पित करके उनसे आशीर्वाद मांगता है। एक लकड़ी की चौकी पर या लकड़ी के पटरे पर गुलाबी या पीला वस्त्र बिछाते हैं, भगवान राधा कृष्ण की स्थापना करते हैं, उन्हें फल फूल मिठाई आदि अर्पित करते हैं, और इसके बाद गुलाल, उनको जो आपका पसंदीदा रंग है उस पसंदीदे रंग का गुलाल उनके चरणों में अर्पित करते हैं, और ये प्रार्थना करते हैं कि उनकी कृपा से जीवन में रंग बना रहे, आनंद बना रहे। इस दिन देवी देवताओं का स्मरण करके गुलाल उड़ाने से या भगवान के चरणों में गुलाल अर्पित करने से जीवन में प्रेम आता है, सुख शांति समृद्धि आती है, और धन की प्राप्ति आसानी से हो पाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं साइबर स्लेवरी की। भारत से करीब 3000 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद कंबोडिया, जिसका गढ़ बनता जा रहा है। नौकरी के नाम पर कंबोडिया पहुंचे हजारों कंप्यूटर एक्सपर्ट्स भारतीयों को साइबर क्राइम की दुनिया में धकेल दिया गया है, और इस बात का खुलासा तब हुआ जब ओडिशा के राउरकेला में पुलिस ने फेक स्टॉक ट्रेडिंग ऐप मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया। साइबर क्राइम के कुछ मामलों को लेकर जब उनसे पूछताछ की गई तब जाकर यह खुलासा हुआ। पुलिस की गिरफ्त में साइबर क्राइम के इन्हीं आरोपियों ने कई सनसनीखेज दावे किए हैं, जिनमें उन्होंने बताया है कि नौकरी की तलाश में कंबोडिया पहुंचे 4,000 से 5,000 भारतीयों को साइबर फ्रॉड के लिए जबरदस्ती मजबूर किया गया। ऑनलाइन फ्रॉड से जुड़ी कंपनियों के मालिक चीन के नागरिक ही हैं, जो कि साइबर क्राइम से जुड़े रैकेट को चलाने के लिए भारत के अलावा बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल और कंबोडिया के लोगों को एजेंट के तौर पर नियुक्त करते हैं, जिनका काम नौकरी के नाम पर भारतीयों की ऑनलाइन नियुक्ति करना होता है। नौकरी के नाम पर झांसा देकर पहले भारतीयों को कंबोडिया आने का ऑफर दिया जाता है, फिर वहां पहुंचने पर उनका पासपोर्ट और उनकी यात्रा से जुड़े जरूरी दस्तावेज जब्त कर लिए जाते हैं। इसके बाद साइबर क्राइम की दुनिया में उन्हें एक पेशेवर घोटालेबाज बनने के लिए विवश कर दिया जाता है। अगर कोई भारतीय ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले गिरोह में काम करने से इनकार कर देता है तो उसे शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है, बिजली के झटके दिए जाते हैं, कैद कर लिया जाता है, जिससे मजबूर होकर लोग स्कैमर्स के गुलाम बन जाते हैं। फिर वो क्रिप्टो करेंसी से मोटी कमाई का लालच देकर मालदार लोगों को लूटते हैं। इसके लिए वो व्हाट्सएप, फेसबुक या फिर दूसरे तरह के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, और देखते ही देखते पैसे वालों की पूरी दुनिया लूट ली जाती है। ओडिशा के राउरकेला में 2 लोगों की गिरफ्तारी के बाद कई और चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। इसके बाद गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के बीच हाई लेवल मीटिंग हुई, ताकि कंबोडिया में साइबर क्राइम गैंग के चंगुल में फंसे भारतीयों को सुरक्षित वापस लाया जा सके। कंबोडिया से ये गैंग आखिर कैसे काम कर रहा है, इस पर कई खुलासे एजेंसियों की तरफ से लगातार किए जा रहे हैं। दरअसल जो कंबोडिया में ये कंपनियां हैं, उन कंपनियों के मालिक चीनी नागरिक हैं। इनकी तरफ से वहां पर ट्रांसलेटर मलेशियाई और कंबोडिया के लोगों को रखा जा रहा है, जो भारत के भोले भाले युवाओं को भारत से नौकरी के नाम पर झांसा देकर के वहां पर उनको बुला रहे हैं। जानकारी ये भी है कि एजेंट के तौर पर अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इसके साथ ही बांग्लादेश और नेपाल के लोगों को वहां पर रखा जा रहा है, जो भारत के युवाओं को वहां पर ला करके जबरदस्ती उनके पासपोर्ट अपने कब्जे में ले रहे हैं। जानकारी ये भी है कि करीब 12 से 14 घंटे इन युवाओं से काम कराया जा रहा है, और उसके बाद अगर वो काम करने से मना करते हैं तो उनके साथ थर्ड डिग्री भी अप्लाई की जा रही है।
ये जानकारी तब पता चली जब राउरकेला पुलिस ने कुछ लोगों को जो कंबोडिया से वापस लौटे थे उनको गिरफ्तार किया और उनके पूछताछ से पूरा मोडस ऑपरेंडी इस एजेंसी को पता चला। एजेंसियां तमाम जो विदेशी एजेंसियां हैं उनके संपर्क में हैं। इसके साथ ही ये ट्रैक किया जा रहा है कि जो कंबोडिया से भारत वापस भारतीय युवा आ रहे हैं उनसे भी पूछताछ करके ये जानकारी हासिल की जा रही है कि आखिर इस वक्त कंबोडिया में साइबर स्लेवरी में कितने लोग फंसे हुए हैं। उनको भारत लाने का भी आने वाले दिनों में बड़े स्तर पर प्रयास किया जाएगा। इस वजह से यहाँ पर एक उच्च स्तरीय बैठक भी की गई और इस बैठक में तमाम तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए ये जानकारी हासिल की गई कि वहाँ पर कितने लोग मौजूद हैं और उनको किस तरीके से भारत लाया जाए। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती है। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज और देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।